नमस्कार। आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा के उपचुनाव का पर्चा भरा और इस मौके पर एनडीए के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। या कह सकते हैं नेताओं का जमावड़ा वहां लगा हुआ था। कई मंत्री से लेकर विधायक तक वहां पर पहुंचे हुए थे और इस समय इस वक्त जो है सो मतलब उस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो हैं संजय जायसवाल वो भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने मीडिया को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जो राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा है और कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी जो है इस चुनाव को लड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये जग जाहिर है, क्योंकि एनडीए का बहुमत है और एनडीए के साथ बिहार की जनता है और रिजल्ट सबको पता है। और सुशील मोदी जी एक योग्य प्रत्याशी हैं और मतलब इसके लिए उन्होंने एनडीए उनको प्रत्याशी बनाया है। आप मतलब यहाँ देखिए कि वो मतलब केंद्र में जाएंगे और बिहार की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आइए देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने क्या कहा। अध्यक्ष जी, कोई भी चुनाव होता है, कोई चुनाव होता है तो हर व्यक्ति फ्री है, वह चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी के पास भी विधायकों की उचित संख्या तो चुनाव लड़ सकती है, वह स्वतंत्र है। पर रिजल्ट क्या होगा यह जग जाहिर है। जो रिजल्ट होना है वही रिजल्ट होगा। विपक्ष दो बार प्रयास करके हार चुका है, यानी कि विपक्ष अब डर गया है बीजेपी और एनडीए से। डरने का शब्द सही नहीं होगा, पर जनता का पूरी इच्छा और जनता की पूरी शक्ति बिहार की जनता की एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए हर कदम पर विजयी होगा।